कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में गरजे। उन्होंने महसाणा में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सहारा ग्रुप ने पीएम मोदी को 40 करोड़ रुपए दिए हैं। आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि आयकर विभाग ने सहारा के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद सहारा ने रिश्वत के तौर पर पीएम मोदी को 6 महीने में 9 बार पैसे दिए। यहां राहुल गांधी ने यह भी बताया कि पीएम को कब कब कितने रुपए दिए गए हैं। सहारा के अलावा राहुल गांधी ने बिरला ग्रुप के रिकॉर्ड्स का भी जिक्र किया और दोनों कंपनियों से तकरीबन 65 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। साथ ही राहुल गांधी ने इस लेन देन की जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने पूछा है कि 2.5 साल से पीएम के पैसों की जांच क्यों नहीं की गई। महसाणा की रैली में राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नोटबंदी काला धन के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि देश के आम लोगों के खिलाफ लड़ाई है। ईमानदार जनता, मजदूर, छोटे व्यापारी जैसे 60% लोगों का पैसा लेकर 1% अमीर लोगों को दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह हर खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।